SN Live सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN Live। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि सारण रेंज के DIG रविंद्र कुमार सिवान पहुंचे। आपको बता दें कि सिवान के दरौदा चंचौरा बाजार में अपराधियों ने दिनदहाड़े हथियार और बम के बल पर ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद आज सारण रेंज के DIG रविंद्र कुमार सिवान के दरौदा चंचौरा बाजार पहुंचे और ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की घटना का जायजा लिया। आपको बता दें कि अपराधियों ने करीब 5 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद सिवान SP शैलेश कुमार सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश की, लेकिन आज सारण रेंज के DIG रविंद्र कुमार सिवान के दरौदा चंचौरा बाजार पहुंचे और ज्वेलरी दुकान का जायजा लिया। इस दौरान DIG ने कहा कि अपराधियों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। सुनिए इस सारे मामले पर DIG रविंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा। अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ लिंक मिला है उसको कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कल सिवान में स्वर्ण व्यवसायियों ने दुकानें बंद रखी थी, आज महाराजगंज में भी बंद रखा है। उनका ये कहना है कि हमें व्यापक सुरक्षा मिलेगी तब हम अपनी दुकानें खोलेंगे। बिल्कुल सुरक्षा देंगे, पुलिस का काम ही है सुरक्षा देना, सुरक्षा देंगे हम लोग, उसके लिए करते हैं। थैंक यू सर।